उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर शिकंजा और कस दिया है। यूपी सरकार ने पंजाब जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनके पत्नी और दोनों बेटों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। बताते चलें कि यूपी में मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों को मुकदमे में वांछित हैं। तीनों पर यूपी में 25,000 का इनाम भी घोषित है। हालांकि पिछले दिनों एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को सशर्त अग्रिम जमानत दी है। उधर मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाकर यूपी जेल में शिफ्ट करने में अब तक नाकामयाब रही योगी सरकार अब इस मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी बेहद चुनौती दे रही है। यूपी सरकार के इस दाखिल याचिका में पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया गया है। हवाला दिया है कि यूपी में कई गंभीर मामलों में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाना है, पंजाब की जेल में रहते ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुख्तार को यूपी जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्तार अंसारी की ओर से खुद को ऐसे परिवार से होने का हवाला दिया जिसके सदस्य देश की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, बड़े पदों पर रहे और देश की रक्षा में आगे रहे। मुख्तार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि यूपी जेल में ट्रांसफ़र किए जाने का विरोध करता है। मुख्तार ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो यूपी मक्के मऊ से 5 बार से विधायक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और 1927-28 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अंसारी उनके दादा थे। वो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, तत्कालीन ओडिशा के राज्यपाल बाबा शौकतुल्ला अंसारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस आसिफ अंसारी और खुद उनके पिता सुभानुल्ला अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। तो उनका ये दलील है कि उनको जो है जेल में रहने दिया जाए और उत्तर प्रदेश ना लाने दिया जाए। योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।